ये यशित हैं, ये 8 मिनट में 150 सम करते हैं। 150 सम का मतलब ये हो गया कि इनको ऐड करने के लिए कहो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहो, सब कर लेते हो आप। क्या नाम है आपका? यशित। अच्छा यशित, आप क्या करते हो, कितने सम आप कर लेते हो एक मिनट में? 146 और 165 इतने कर लेता हूँ। 146, 165 कर लेते हो। अच्छा, तो ये तैयारी किस चीज के लिए चल रही है? नेशनल लेवल। नेशनल लेवल। एज कितनी है? 7। 7 साल की उम्र में मतलब इतना खतरनाक पंगा ले लिया वो आपने मैथ से। यार मैं तो बड़ा नालायक था मैथ में, मुझे मैथ आता ही नहीं था। तो आप तो मतलब ठीक ठाक हो फिर मैथ में? ठीक ठाक हो मैथ में या नहीं? ठीक है, तो सम करें। चलो आप ये पहले वाला सम करो, 93 966 33 57 651 3 3 8 5 5 24 24 1 2 8 6 9 26। ये आप देख सकते हैं कि यूसी मैथ्स में ये बच्चा है, 7 साल एज है, और पता नहीं कर क्या रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये मुझे तो ऐसा मतलब मुझे कोई बोले मुझे तो बहुत सोच टेक्निक नहीं बताना, ये राज सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं बताओगे पक्की बात। अच्छा एक और सम बता दे कहीं, ये ना हो कि गोल करे, 5 - 2 5 3 - 8 बिल्कुल ठीक जवाब। मतलब मैं हैरान हो रहा हूं कि ये बच्चा इतने लंबे लंबे सम कैसे कर रहा है। 5 3 5 - 3 1 7 - 4 6। मतलब कि कर कैसे रहे हो आप? मतलब मैं मेंटल फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, खतरनाक वाला दिमाग इस्तेमाल करो। चश्मा को कितनी जल्दी लग गया, क्या करते हो पूरा दिन फोन पे, क्या देखते हो सर? अपने भाई के ब्लॉग्स, मैंने सुना तुम्हारे पर ठीक ठाक ब्लॉग्स होते हैं, है? बनाते हो ब्लॉग्स? नहीं बनाते हो? अच्छा फिलहाल सम ही करते हो आप, है ना? सम के अलावा कुछ और भी करते हो? तो ये एक बच्चा है, अब छोटी सी गुड़िया यहाँ पे लगाते हैं, क्या नाम है आपका? अनविका। आप भी सम कर रहे हो, आता है थोड़ा बहुत सम्स करने आपको? अच्छा कोई सम देते हैं आपको करने के लिए? 8 8 - 2 2 ना गलत, फिर से सोचो। ये लो ये वाला करो, इसमें करो पहले वाला करो, 3 1 - 3 8 करो करो सही। दूसरे वाला 2 4 9 - 2 सेकंड वाला 3। आप बताओ 13। ग्रेट। और दूसरे वाले का 2 4 9 - 8 13। ये देखे जी ये बंदा मेरे को 7 साल का, आपकी एज कितनी बेटा? ठीक है मतलब, अच्छा आपकी 5 है, तुम्हें बड़ा पता है, सबसे बड़ा पता नहीं है, तुमसे पड़ोसी का पता है। सही हो बेटा, सही हो तो रोहान जी ये बताएंगे कि आप भी कुछ करते हैं या मौसु का क्या करते हैं करते हो आप? कुछ नाम पूछिए आपसे, चलो कोई दे दो, कोई सामने कोई, हाँ मेरे पास सामने ये ले लो। ठीक चलो जी बताओ, 8 - 5 8 9 - 5 ये वाला, हाँ
सारे आपके दोस्त हैं, क्या नाम है आपका?
अच्छा पक्की दोस्ती है? Yes. और मतलब कितनी पक्की दोस्ती है? मतलब ये दोस्ती कभी हम ना तोड़ेंगे वो वाली दोस्ती है, ये दोस्ती कभी हम ना तोड़ेंगे वो वाली दोस्ती है, सही है? आप भी कुछ संपर्क कर रहे हैं, अभी नए हैं, कितने टाइम हो गए बेटा आपको? यू स्टार्टेड कितने टाइम हो गए? मार्च में स्टार्टेड। जरा कुछ संपर्क करके बताओ, और उसके अलावा बिल्कुल सही। नहीं मुझे बताओ यार ये कितने की मिलती है, कहाँ मिलती है, पहले देखूँ मैं ये क्या है, मतलब यानी इसको अगर मैं सामने रखूँ तो उधर से सब ऐसे करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब तो ये एबेकस वाला मुझे सिखाओ यार, एबेकस वाला मुझे सिखाओ। आप फोर करोगे और ये हमने इस स्पीकर पे करते हैं और ये 10 के लिए यूज होती है, जैसे 10 20 और 40 ये यूज हो गए, जैसे अब ये 50 बन गया, ये 90 बन गया, तो हाँ वो हमने जैसे 9 जैसे इनमें से कोई सम करना, जैसे मैं करूँगा 6 माइनस 2 का प्लस 3 और हम प्लस 1 का करेंगे माइनस 1 और हम माइनस 1 का करेंगे प्लस 1, आंसर 1 क्योंकि वो हमने कर भी दिया जल्दी। ग्रेट, यानी एबेकस आप सीख रहे हैं और उससे आप सम्स करते हैं, मजा आ रहा है? कितनी एज है आपकी? 6। यू जस्ट 6, सो नाइस टू मीट यू। और ये आपके पक्के दोस्त हैं? ये पहले वन डे में मेरे साथ ही मेरे स्कूल में है। अच्छा, ये आपके स्कूल में? हाँ, और पक्का दोस्त है? पक्का दोस्त है, पर सेक्शन अलग है। सेक्शन अलग है, आप जानते हैं इसको? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, आप कोई मेरे ट्यूशन में आती है ये? मेरे ट्यूशन में आती है? अच्छा, आप इसकी ट्यूशन पे जाते हो? बताया नहीं आपने? पहले आता था, अब नहीं आता है। अब नहीं आता ट्यूशन पे, ये कह रहे हैं नहीं आता? नहीं, 5 बजे आता हूँ, 4 बजे आता हूँ, कभी आता हूँ 5 बजे, 4 बजे आता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, जब मन किया तब गए, नहीं मर्जी की तो नहीं गए। ये सही है, ये अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, लगे रहो आप। अरे ये इधर आते हैं आपके पास। अच्छा, अब ये ट्यूशन पे नहीं आता, ट्यूशन क्यों छोड़ दी इसने? आप थोड़ा सीधा हो जाओ ना, ट्यूशन क्यों छोड़ दी बेटा इसने? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। अच्छा बेटा, आप सम्स करते हैं? चलो करके बताओ। कोई भी जो आपका मन, जो आपकी इच्छा। इसका 14। इसका 14। ग्रेट, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही। और यूजुअली क्या होता है जब आप बच्चे के पास चले जाते हैं और अचानक आप उसके सामने माइक कर दे तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर थोड़ा सा जब आप उसका कॉन्फिडेंस जीतते हैं तो बच्चा एकदम ठीक करने लगता है। तो जब हम पहले गए, हमने माइक सामने रखा तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन अब जब दोबारा पहुंचे तो बच्चा शुरू हो गया आगे। इसका 90। इसका 90, बिल्कुल ठीक है। और इसका 7, बिल्कुल सही। और इसका 7, फिर से 7। इसका भी 7, बिल्कुल 7। ग्रेट, फैंटास्टिक। क्या नाम बताया आपने? अनविका। अनविका, मजा आता है आपको सब करने में? एंजॉय करते हैं आप? कौन सी क्लास में बेटा? यूकेजी। यूकेजी में, गुड। तो ये हैं जी मास्टर्स हमारे आने वाले कल के, यही है वो मास्टर्स। इन मास्टर्स ने आने वाले कल में चंद्रयान 3 तो हुआ है, 4 5 जो भी जितने आगे मिशन जाएंगे उसमें इन लोगों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। चंद्रयान के बारे में कुछ पता है थोड़ा बहुत? वो जो अभी मून पे गए, हम सुना वो जो अभी मून पे हमारा एक सैटेलाइट गया,
नहीं वो भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सुन लिया, और ये भाई साहब आप भी आइए जरा। कहाँ पे गया रॉकेट? रॉकेट कहाँ गया? मून पे। मून पे गया? मून पे। क्या नाम है उसका? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ये ले लीजिए, ये है हमारा आने वाला कल, ये भारत का आने वाला कल है। खुश हो रहे हो? क्या प्लान के आगे, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कुछ नहीं। कोई प्लानिंग तो होगी तुम्हारी? कुछ नहीं लग रहा है, वो प्लानिंग है कुछ नहीं। पक्का? हाँ। इसकी क्या प्लानिंग है? मुझे पता नहीं, पर है नहीं है। ये बोल रहे हैं नहीं है। पक्का? नहीं है। झूठे हैं। नहीं है। चलो हो गया, मैं कर लेता हूँ, सीज फायर करा लेता हूँ। अच्छा इधर थोड़ा कैमरे की तरफ। तो क्या कहना चाहेंगे जितने लोग आपको देखना चाहते हैं? कोई मैसेज? नहीं, नहीं, नहीं। कोई मैसेज दे दो यार। नहीं। अच्छा चंद्रयान पे, चंद्रयान 3 पे हम लोग पहुंच, चंद्रयान 3 हमारा मून पे पहुंचा। खुश हो आप? आर यू हैप्पी? वाई? हमारे देश का झंडा उधर लगा, झंडे के बारे में इसको पता है, चंद्रयान के बारे में इसको पता है। सो दिस इज आवर फ्यूचर। बेटा चंद्रयान के बारे में क्या जानते हैं? चांद पे चला गया सैटेलाइट हमारा, है ना? ठीक है, आपको अच्छा लगा? आर यू हैप्पी विद दैट? तो ये है हमारे बच्चे यूसी मैथ्स में। ये लोग मैथ्स और कैलकुलेशंस और किस तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस इतनी तेजी के साथ करते हैं, कर सकते हैं, ये सब बच्चे सीख रहे हैं। नेशनल्स की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि जो चीजें आज से कई साल पहले संभव ही नहीं थी वो अब संभव है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और कितनी अच्छी कैलकुलेशंस ये लोग कर रहे हैं।